क्लास टेंथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन होने वाला है, जो लास्ट टाइम तुम्हें पढ़ा के गया उससे आगे कंटिन्यू करूँगा। सारे क्वेश्चन वो पढ़ाऊँगा जो बोर्ड के सैम्पल पेपर में आए हुए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 से 7 क्वेश्चन का डेली का अपना पैटर्न है। बस तो बेटा कॉपी पेन उठाइए और स्टार्ट कीजिए एक बहुत अच्छा सेशन। ठीक, देखिए यदि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में तो क्या करेंगे। ट्रायंगल एबीसी है, अभी हो सकता है आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा ना हो, बट मान लीजिए ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ रहा है तो क्या करेंगे आप लोग। ए बी इज इक्वल टू दे रखा है पी क्यू जो 1/3 है, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक, आपको क्वेश्चन दिया है, आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखें, एक ट्रायंगल बना दें ये ए बी सी है, एक और ट्रायंगल बनाएं ये पी क्यू आर है। आप लोग जब भी एरिया निकालेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ए सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, बी सी अपॉन ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे एरिया की थ्योरम कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, एरिया पी क्यू आर दिया हुआ है, तो हमने साइड्स का जो करा क्या कर दिया, स्क्वायर हमने लगा दिया। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको दिया है ए बी पी क्यू 1/3 है, तो जस्ट ए बी पी क्यू की जगह लगा दो 1/3, तो आपको एरिया मिल जाएगा किसका, ए बी सी, एरिया ऑफ पी क्यू आर, जस्ट वैल्यू पुट कर दो कितनी 1/3, आप यहाँ लगा दो 1/3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/9। तो उनके स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1:9 होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे, तो शायद पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर, आइए सेकंड क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपको, गिवन है कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। हमने ये पहले ही पढ़ लिया कि साइन की वैल्यू कॉस में चेंज होती है 90 पर, तो साइन कॉस 10 कॉस एक्स एक्स कॉट, साइन कॉस में कॉस साइन में, 10 कॉट में कॉट 10, कॉस एक्स 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 कॉस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस को चेंज कर दो, आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 23। तो यदि आप इसे चेंज करते हो तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कितना 90 माइनस थीटा, यानी थीटा कितना है, थीटा होगा आपका 23। तो कॉस स्क्वायर को आप जब चेंज करोगे 90 पे तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 23, जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये निकल के आया 0। तो व्हाट इज़ योर आंसर, आपका जो आंसर होगा वो होगा 0। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट, आई थिंक सो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। जो क्वेश्चन था ईजी था, एक सिंपल पैटर्न को बना के चले और उसी पैटर्न से हमने इसकी जो वैल्यू थी वो प्रूफ कर दी। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बोर्ड के पेपर है बेटा, उसी में से ही मैं आपको करा रहा हूँ, तो थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से निकालिए। ग्राफ बनाया, यहाँ पॉइंट डाल दिया 0 0, और यहाँ कोई पॉइंट है एक्स और वाई, आपको इसका डिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलता है, ए बी इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, पढ़ा था x2 माइनस x1। मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, तो लगा दीजिए y2 माइनस y1, ये y1 है, ये y2 है, तो y2 कितना है, y माइनस 0 का स्क्वायर। ए बी निकल के आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर,
तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ ए बी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर थ्री भी आपको शायद समझ आ गया हो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। ठीक है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर फोर, फोर का वो कहता है इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू आपको निकालनी है, तो के की वैल्यू कैसे निकलेगी, जस्ट आपको पुट करना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू क्या है, वन है। बी की वैल्यू क्या है, माइनस टू के है। सी की वैल्यू क्या है, माइनस सिक्स है। आप इसमें वैल्यू पुट करें और डायरेक्ट आपको वो जो वैल्यू थी वो फाइंड हो जाएगी। कितना है बेटा बी की वैल्यू, तो आप बोलेंगे माइनस टू के का स्क्वायर। अच्छा एक काम करिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, आपको एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, थ्री। आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, थ्री का स्क्वायर माइनस टू के इंटू थ्री माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। थ्री का स्क्वायर नाइन, कितना आएगा सिक्स के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, उधर ले जाइए। थ्री माइनस सिक्स के इज इक्वल टू जीरो, थ्री इज इक्वल टू सिक्स के, भाई थ्री का स्क्वायर नाइन, सिक्स के माइनस सिक्स, नौ में छः गया तीन, छः के उधर ले गए। के की वैल्यू आ गई थ्री बाय सिक्स, कट कर दो वन बाय टू, तो जो के है उसकी वैल्यू आ गई वन बाय टू। किसी को कोई इसमें डाउट तो क्लियर कर सकता है अपने डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इजी था ये वाला क्वेश्चन बेटा। तो इसी मारे मैंने कहा कि वही डायरेक्ट वैल्यू उसमें पुट कर कर ही अपना आंसर निकाल देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन अच्छा है, पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द एससीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखिए याद रखना, वन नीदर प्राइम नो कंपोजिट, ना तो ये प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, टू होगा भाई। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है। क्लियर, आई थिंक सो माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक हो रहा है कैमरा, अब सही है। तो देखिए एससीएफ स्मॉलेस्ट नंबर का पूछ रहा है, तो आपको मालूम है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, टू है। बात आती है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। देखिए कंपोजिट नंबर वो होता है जो मल्टीपल हो, टू तो गया प्राइम नंबर है। यदि आपसे कोई पूछे कंपोजिट क्या है, तो जैसे आपको बात करें चार की, तो चार एक से कटता है, दो से कटता है, चार से कटता है, तो इसमारे ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो टू और फोर आपके हो गए दो नंबर, एक प्राइम एक कंपोजिट, दोनों से सॉल्व कर आपको निकालना है एससीएफ। याद है एससीएफ का तरीका क्या होता है, भाई दो का पेयर कैसे बनेगा वन इंटू टू, चार का पेयर कैसे बनेगा वन टू ज़ा टू टू ज़ा फोर, कॉमन क्या है जो दोनों में कॉमन आए तो टू। तो यानी कि जो हमारा एससीएफ होगा वो क्या होगा, एससीएफ हमारा टू होगा। क्लियर, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डी, डी है आपके पास माइनस फोर और सेवन टर्म जो है वो है आपकी फोर। आपको इसमें फाइंड करना है ए। सेवन टर्म क्या होती थी याद है, सेवन टर्म होती है एक कम, यानी ए प्लस सिक्स डी। सेवन टर्म आपकी फोर है, ए है आपका निकालने वाला, डी है आपकी माइनस फोर। फोर इंटू
a-24 उधर लेके जाइए, 4+24 इज इक्वल टू a, तो जो a है वो आएगा आपका 28। आई थिंक सो इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से जो बताया है उसके हिसाब से क्लियर किया गया है। ठीक, अब आते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 1 से 100 नंबर आपको दिए गए हैं, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाया था आपको, वो पूछ रहा है डिविजिबल बाय 8, जो 8 से कटते हो, नॉट डिविजिबल बाय 8। देखिए मेरे को तो इसका आंसर पहले से ही मालूम है, लेकिन आप लोग कैसे करेंगे इसको भाई, 1 से 100 तक नंबर है, तो 8 16 8 3 24 8 44 8 45 8 48 8 56 64 8 72 8 80। मैंने आपकी वजह से ये लिखा है, बाकी जो था मैं डायरेक्ट लिखता था। तो सॉल्यूशन करते समय पहले आप बनाएंगे सैम्पल स्पेस, 80 कटता है 88 8 से कटेगा, 88 में 8 जोड़े 96 8 से कटेगा, यानी 12 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल बाय 8 हैं। तो हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 8, तो आप लिखेंगे 12 नंबर डिविजिबल बाय 8। लिखिए 12 नंबर्स डिविजिबल यानी कटते हैं बाय 8 से, सो प्रोबेबिलिटी इज 12/100। नंबर नॉट डिविजिबल बाय 8, 1-12/100 सॉल्व करके आया 88/100। कैसा लगा बेटा क्वेश्चन? आई थिंक सो क्वेश्चन में बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों को, और जितने बच्चे ये देखेंगे उनकी कमेंट बताएगा कि उन्होंने घर पे ये काम किया या नहीं किया। मेरा काम मेहनत करना है, आप लोगों को सिखाना है, उसमें आपको कोई कमी लग रही हो तो बताओ। फिर बात आती है टू डिफरेंट डाइस आर टॉस टुगेदर। दो डाइस हैं जो आपने टॉस किए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल ऑफ गेटिंग सम 10। एक तो उसने पूछा डबल आए, कि आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा क्या आना चाहिए, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। एक दो डाइस हैं, दो डाइस को वो फेंक रहा है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे आंसर में टू डाइस थ्रोन सो सैंपल स्पेस विल बी क्या होगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, याद कराया था, 21 22 23 24 25 26 37 33 36 44 42 43 44 51। क्लियर, यानी कि जो ये नंबर थे 3 और 1 3 3 3 4 3 5 3 6, याद करने के लिए सीरीज चला रखी है बेटा। क्लियर, अब आपसे वो पूछता है फाइंड द पेयर ऑफ डबल, डबल कब होंगे, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 6/36। फिर वो बोला गेटिंग द सम 10 हो, सम कितना है मेरे बच्चे, सम आए 10, तो 10 कैसे मिलेगा, मिलेगा कैसे मिलेगा ये चेक करना है, 6 4 10 5 5 10 4 6 10, तो यानी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/36। क्लियर, आई थिंक सो इस सेशन में जो भी पढ़ाया आपकी समझ आया, ऐसे ही डेली के सेशन चलाऊंगा, एक तरीके से चलाते चलिए, 90 डेज क्लास होगी, ये आपका डे 90 है बोर्ड से पहले, डे 90। क्लियर, 90 डेज क्लास, मेहनत कर लो, नंबर डेफिनेटली आने वाले हैं, इसमें जो भी क्वेश्चन पॉइंट होगा सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।